इसी तरीके से फसल चक्र की मैंने बात किया था। फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की दशा में सुधार होता है, साथ साथ कीटों और रोगों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। मैं सारी बातों को मिक्स करके एक शब्द, एक चीज जो मैंने बताया, इसे फसल चक्र, बायोजन, जैविक उत्पाद, ये कहां कहां जो है लाभदायक होंगे संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो फसल चक्र जो है अपनाने से कैसे लाभ होगा, कैसे मिट्टी की दशा सुधरेगी। लगातार धान की खेती कर रहे हैं, लगातार गेहूं की खेती कर रहे हैं, मिट्टी की भौतिक जो दशा है, रासायनिक दशा है, वो खराब हो गई। आप पर्याप्त मात्रा में खाद दे रहे हैं लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि मिट्टी की जो हमारी उर्वरक की क्षमता है वो कम हो गई है। तो उसमें करना क्या है, हमें फसल चक्र अपनाना है कम से कम 3 वर्ष का। फसल चक्र अपनाने से जो है मिट्टी की भौतिक दशा, रासायनिक दशा में सुधार होगा। कैसे होगा, धान गेहूं की फसल आप लगा रहे हैं उसको खत्म करिए, आप उसमें 3 साल दलहनी फसल लगाएंगे। पुराने जमाने के लोग एक बार अगर धान लगाते थे तो अगली बार उसमें रबी मौसम में चना जरूर लगा देते, या गेहूं की बात में जो है वो अरहर की खेती करते हैं, उसका भी नहीं अरहर चना या जो भी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में माटी पाई जाती है और जहां पर लगाते हैं, जिस खेत में लगाते हैं उस गांठों में जो है वो पौधों की जड़ों की गांठों में दलहनी फसलों की राइजोबियम जीवाणु होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। और करता क्या है, इस वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन है उसको जो है वो खींच करके पौधे को जो है उपलब्ध करा देता है। आपने देखा होगा अरहर की खेती या जितनी भी दलहनी फसल उगाई जाती है, हर किलो किसान क्या करते हैं, जो सबसे खराब खेत होगा उसी में जो है अरहर बोने, उसी में उड़द बोने, बोएंगे उसी में चना बोने, और उसकी अच्छे से जुताई उताई नहीं करते। खाद तो उनको उसमें डालते ही नहीं, इसलिए नहीं डालते, उनको पता है कि पौधा जो है अपने आप बढ़ जाता है। ये भले पता हो उसकी जड़ में क्या पाया जाता है, भले में जानकारी क्योंकि उनको पता है कि पौधा स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, इसमें हो जाएगा। तो फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की जो दशा है वो उसमें सुधार हो जाएगा। आपको रासायनिक खाद डालने की बात मैंने नहीं। इसी तरीके से रोग और कीट का नियंत्रण फसल चक्र अपनाने से होता है। एक ही फसल बार बार लगाएंगे तो जो कीड़ा लगता है, जो रोग लगता है, उसको बार बार भोजन मिलता रहेगा। यदि एक ही फसल लगाएंगे बार बार भोजन मिलेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, वही जमा रहेगा। फसल चक्र अपनाएंगे तो उसका जो जीवन चक्र है, जो उसकी लाइफ साइकिल है, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अरहर लगाएंगे, आपने धान लगाया है, फिर गेहूं लगाएंगे, उसी सीरियल का आप लगाते जा रहे हैं, उसको भोजन मिलता जा रहा है। जब आप अगली बार अगले मौसम में दूसरी फसल आप लगाएंगे तो वो जो कीड़ा है, जो रोग है, वो परेशान हो जाएगा, अरे यहां तो जो है हमको खाने के लिए कुछ नहीं है। प्रकृति ने जो है सूक्ष्म जीवन को, हमको और आपको सबको जो पोषक तत्व तो प्रदान किया है वो सब एक ही है, वो सब एक ही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो 16 तत्व पौधों के वृद्धि विकास के लिए जरूरत पड़ती है, वही सारे तत्व जानवरों को, वही सारे तत्व हमको, लेकिन वो मिलता कहाँ से है, पौधों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से।